हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरज स्कूल, महेंद्रगढ़। आज का हमारा जो टॉपिक होगा 9th क्लास का, वो इको का चैप्टर होगा। इको का लेसन नंबर 3, नाम है पॉवर्टी एज चैलेंज। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, पॉवर्टी, पॉवर्टी के बारे में कि भारत में पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं, फिर उनको कैसे दूर किया जा सकता है, सरकार ने ऐसे ऐसे कौन से प्रोग्राम पॉलिसी चलाई कि हमारे देश की सरकार ने कोशिश की कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसी चलाए कि पॉवर्टी को कुछ कम किया जा सके। ये पूरा लेसन हमारे इसी पे है। इको में हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें केस यानी कि स्टोरी से लेसन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम पॉवर्टी को दो केस से समझेंगे, एक तो अर्बन केस से, एक रूरल केस से। अब अर्बन केस में हम पहले एक स्टोरी को केस के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टोरी है एक रामशरण की, मैं आपको सिर्फ बोल बोल के बताऊंगी, इसमें लिख के नहीं। रामशरण है वो गांव में, वो एक छोटे से शहर में रहता है। वो एक फ्लोर मिल में आटा की चक्की जोतती है जहाँ चून हम गेहूँ पिसवाते हैं, फ्लोर मिल में काम करता है। उसकी फैमिली में 6 मेंबर रहते हैं, 4 उसके चिल्ड्रंस हैं और 2 वो हस्बैंड और वाइफ हैं। अब वो जो फ्लोर मिल में काम कर रहा है उसको वहाँ पर 1500 to 1800 के बीच में पूरे महीने के जो उसके काम के पैसे मिलते हैं वो है। अब इनमें से वो कुछ पैसे अपने गांव में जो उसका एक बूढ़े जो ओल्ड जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी भेज देता है। अब जो बच गया उससे वो अपनी पूरी फैमिली का एक शहर में काम चला रहा है, 6 बच्चे हैं, 2 वो खुद हैं। अब फैमिली की हालत ऐसी है कि वो इसको फुलफिल अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता है। इसके लिए जो उसकी वाइफ है वो मेड का काम करती है, मेड का काम करते तो वो वहाँ से 700 या 800 रुपीस के वहाँ से ले आती है। तब भी उनका परिवार का केवल 4 बच्चे हैं। फिर जो रामशरण का जो बड़ा वाला बच्चा है वो 12 इयर्स का उसका बेटा है, उसको वो एक चाय की दुकान पे यानी कि टी शॉप पे काम के लिए लगा देता है, कुछ रुपए वो ले आता है। अब भी उनकी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं हो रही, क्यों शहर वो फिर एक बाहर शहर के बाहर एक स्लम्स होती है, झुग्गी झोपड़े होते हैं, वहाँ पे एक कच्चा सा कमरा लेके किराए पे रह रहे हैं, किराए भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं उस कमरे का, पूरी फैमिली का पे है, जिसमें से उसका कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। स्कूल नहीं जा पाने के कारण उसका जो बड़ा बेटा है वो तो हम अब उनके काम में हाथ इकोनॉमिक में थोड़ा बहुत रोल कर रहे हैं, बाकी के जो 3 बच्चे हैं वो अपने घर पे है, वो कोई स्कूल नहीं जा रहा। उनके लिए शूज और सोप और जो शैम्पू ये एक लग्जरी चीज है, क्योंकि वो इतने गरीब हैं, उनको ले गया अगर घर में सूज आ गई उन बच्चों के लिए या सोप आ गई या शैम्पू आ गई वो बड़ी लग्जरी चीज है उनकी। अब ये तो थी हमारे शहर में कैसे गरीब। अब रूरल केस में हम लाखा सिंह वो एक लैंडलेस लेबर है, उसकी कहानी है। लैंडलेस लेबर है वो, किसी के खेत में काम मतलब लेबर के रूप में काम करता है। वहाँ पे उसको पर डे के 300 to 400 या 300 to 350 रुपीस मिलते हैं। अब उसकी फैमिली में भी मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उसके खुद के 4 बच्चे हैं, 2 पेरेंट्स हैं, उसके एक बहन है और उसकी एक बूढ़ी माँ है, ओल्ड एज मदर है। उसके जो फादर है वो टीबी पेशेंट थे जो 2 ईयर्स बिफोर डाई हो चुके हैं। अब वही बीमारी उसकी माँ को लग गई, लेकिन वो इतना गरीब है कि इस बीमारी के कारण उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे, वो अपनी माँ का कोई भी इलाज नहीं करा पा रहा था और वो हेल्पलेस भी था, क्योंकि उसकी फैमिली में उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको उसके लिए अपनी माँ के लिए इलाज कर सके। अब शहर में इसकी वाइफ शहर में थी तो वो मेड का काम कर लेती थी, अब विलेज में रूरल एरिया में तो मेड की भी जरूरत नहीं, तो उसकी वाइफ फ्यूल इकट्ठा करना, फोल्डर ये काम करके अपना घर में काम कर रही थी। अब लखा सिंह भी इतना ही, अब ये गाँव की और ये शहर। अब इसमें मेन तो ये 2-3 चीज सिमिलरिटी दिखाई दे रही है हमें कि किसके कारण गरीबी है। सबसे पहले कि
क्या क्या चीजें आती है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि हम सोचें कि गरीबी किसकी वजह से है, ऐसे इन दोनों में क्या क्या कोजिस हमें दिखाई दे रहे हैं गरीबी के। सबसे पहला कारण है इसका, देखते हैं लैंडलेसनेस। भाई लैंडलेस है, अगर इसके पास भी जमीन होती या इसके पास भी खुद की जमीन होती तो ये खुद को अपने खेत में कल्टीवेशन करते, फार्मिंग करते, तो कुछ अपना लिवलीहुड कमा सकते। तो सबसे पहली बात दोनों लैंडलेस थे। दूसरी बात उनकी जो फैमिली, लार्ज मेंबर ऑफ फैमिली, जो फैमिली के मेंबर है वो ज्यादा है। अब इसके चार बच्चे हैं, इसके चार बच्चे हैं, अगर इसका एक बच्चा होता या इसके भी एक या दो बच्चे होते तो वो उनको एजुकेट भी कर सकता था, एक दो बच्चे की वो अच्छी से एजुकेशन भी करा सकता था, रिक्वायरमेंट भी पूरी करवा सकता था। तो लार्ज फैमिली भी एक इनके लिए मेन कारण होगी पॉवर्टी का। तीसरा जो उसका है कि पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रेंस। पुअर हेल्थ माल न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो हम फूड लेते हैं उसमें सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये दोनों फैमिली ही ऐसी थी कि इनके दोनों टाइम्स के जो उनकी जो खाना होता था उनमें ये चीज़ें पूरी होती नहीं थी, तो इस वजह से ये वीक होते जा रहे थे, बीमारी के घेरे में आते जा रहे थे। तीसरा जो इनकम जो है मेन जो इसमें है इसका देखते हैं चाइल्ड लेबर। इसने अपने बड़े बेटे को जो 12 इयर्स का था, जो स्कूल में जाना चाहिए था, जिसकी एजुकेशन की एज थी, इसने उसको चाइल्ड लेबर में लगा। अब इन दोनों स्टोरी से हमने ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये इन दोनों स्टोरी में ये मेन कारण है इनकी गरीबी। अब इसमें और भी चीज़ें जाए कि पॉवर्टी होती कैसे है, हंगर एंड लेक ऑफ, जिनके जो भूखे रहते हैं कैसे पहचानेंगे, हंगर एंड लेक ऑफ सेल्फ, जिसके पास भाई खाने के लिए फूड नहीं है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वो चीज़ वो लोग भी पॉवर्टी में आते हैं। सेकंड जो इसमें हमने देखा था कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण हम हंगर को देखते हैं, वो आएगा इसमें इलिटरेसी। अब महात्मा गांधी ने एक बहुत एक अच्छी कोटेशन दी थी कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ऑलवेज सेड इसमें महात्मा गांधी ने गरीबी के बारे में क्या कहा था, महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टीड दैट द इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन, कब हो जाएगा, द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन किए और गरीबी के बारे में कि महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड, वो इस बात को कहते दैट द इंडियन वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, भारत सच में उस दिन इंडिपेंडेंट हो जाएगा जब, ओनली व्हेन, कब, द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल, इस देश के जो गरीब लोग हैं, बिकम फ्री, वो फ्री हो जाएंगे गरीबी से, फ्री हो जाएंगे ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और वो गरीबी जब हर लोगों के पास फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हर चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जब इंडिया एक ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। ये तो आज हमने एक केस से हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।